बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे 5.7। टॉपिक है हमारा आद आज़म याम एच सी एफ, जिसका मतलब यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, मैं इसे पी वन कह देता हूँ, एक और है पी टू वो भी एक्स में है, और एक पी थ्री है वो भी एक्स में है, ठीक है। इसका एक फैक्टर है एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके फर्ज करें कि चार फैक्टर्स हैं एफ फोर, अब जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर मींस के वो तज़ी जो आप कर चुके हैं। फर्ज करें कि ये एफ, इसको भी एफ वन कहता हूँ, एफ टू, एफ फाइव, एफ सिक्स, इस पे जनाबे वाला है एफ वन, ये इंडिपेंडेंट है इनसे अभी फ़िलहाल, एफ टू, एफ सेवन, एफ एट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें जो चीज़ें गौर करने वाली हैं, एक है कॉमन, तो इन पे देखें कॉमन कौन से हैं। ये एफ वन कॉमन है ना, इधर भी एफ वन है, एफ वन है और एफ वन है, फर्ज करें कि सेम फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, एफ टू भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन निकल आए तीनों में, ये एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये कॉमन नहीं है तीनों में। उससे अगली कंडीशन है जनाब हाईएस्ट, इनमें बड़ा कौन सा है। आप कॉमन निकालेंगे तो आपने निकाले हैं एफ वन और एफ टू, आप देखना कि इनमें से बड़ा कौन सा है। अब फर्ज करें कि एफ टू बड़ा एफ वन की नस्बत, एफ टू जो है वो बड़ा है एफ वन की नस्बत, तो ये जो चीज़ होगी ना, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बहुत ही आसान है, और अगर आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद है जो नंबर्स के हम निकालते थे, मैं वो भी आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, उससे शायद आपको आसानी लगे। फर्ज करें कि 27 है, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक होगा तीन, नौ और ये 27। इसी तरह 30 है, उसका क्या होगा, एक होगा, तीन होगा, अब पाँच, छ, दस, दो भी आता, सॉरी, पंद्रह और तीस। अब इनमें देखें कॉमन कौन कौन से हैं, वन इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। इसी तरह थ्री इधर भी है, थ्री इधर भी है, 927 ये इधर नहीं आते। तो अब चूँकि तीन जो है वो बड़ा है एक की नस्बत, तो जो एच सी एफ होगा ना वो ये होगा। इसी तरह ये आपने नंबर्स की हम पढ़ चुके हैं, इसी तरह पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स को लिखेंगे, जो दो या तीन जितनी भी पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में हैं उनमें जो कॉमन होंगे उनको अलहदा कर लेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा वो हाई एच सी एफ होगा। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें चीज़ मज़ीद क्लियर होगी। एग्जाम्पल है 5x² y² 20x³ y³ और 25x⁴ y²
इनका आपने एचसीएफ निकालना। तो उन्होंने क्या किया कि इसके फैक्टर्स बना लिए कि ये पाँच है, एक्स है, वाई है, वाई है। इधर क्या आता है, दो दो पाँच, ठीक है, दो दूनी चार, चार पंद्रह बीस, ठीक है, एक्स 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 वाई वाई वाई। इसका आएगा 25 कैसे होगा, पाँच पाँच एक्स 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 वाई वाई, ठीक है। अब इनमें देखें कि कॉमन क्या है, वो निकालना शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है, तीनों की बात हो रही है, यानी कि दो में, सब में क्या चीज़ कॉमन है। फाइव इसमें आता है, इसमें भी फाइव आता है, इसमें भी फाइव आता। अच्छा, अब ये चीज़ मलहूज़ खातिर रहे, ये दो इधर है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा। लेकिन पाँच की बात करें तो इसमें एक पाँच इधर है, इधर पाँच है, लेकिन इधर दो पाँच है। तो आपने दो पाँच नहीं लिखने, वो चीज़ें लेनी है जो सब में कॉमन होती है। ये पाँच नहीं आएगा, ये एक दफ़ा पाँच इधर आता है, एक दफ़ा इधर आता है, और एक दफ़ा इधर से लेंगे। अगर यहाँ पे भी दो दफ़ा आता, यहाँ पे भी दो दफ़ा आता, यहाँ पे भी दो होता, फिर हम दो दफ़ा पाँच लेते, ठीक है। अब देखें इसी तरह एक्स की बात करते हैं, ये एक एक्स इधर है और एक एक्स इधर है, तो ये एक्स नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह जनाब एक्स दोबारा से इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और इधर भी आ रहा है, तो एक दफ़ा इधर ये देखें तो एक और एक्स नीचे आ गया। अब ऊपर वाई है, एक्स और मज़ीद ऊपर कोई नहीं, हालांकि नीचे है तो वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वाई है ना। तो एक वाई इधर से लिया ये, और एक वाई ये, तो वाई नीचे आ गया। अभी y इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये y इधर से ले लिया और एक ये ले लिया, तो एक और y आ गया, ठीक है। तो एक कॉमन चीज़ क्या होगी, 5x² y² ये क्या बन गया, 5x² y² तो इस तरह आपने इनके जो फैक्टर्स बनते हैं उनमें से जो कॉमन चीज़ है वो ये निकाल ली, ठीक है। ये एक तरीका था निकालने का एच सी एफ, जबकि इस तरह की सिंपल सी टर्म्स दी हों। अगर पॉलिनोमियल्स लिखे हों कम मुश्किल से, तो उसको फिर आप तज़ी करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह की तज़ी ही है, लेकिन बहरहाल हम उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो आपको तरीका याद रहे, जब इस तरह दिया हो तो इनको आप तोड़ तोड़ के लिख लें, और याद रहे कि इनका जो प्रोडक्ट है ना इसके इक्वल आना चाहिए। और इसी तरह ये अब इनमें जो जो चीज़ें तीनों में आती हैं उनको लिखना शुरू कर दें, ठीक है, ऐसे करके। अगर यहाँ पे एक और वाई होता तो इधर भी एक वाई है, इधर नहीं है, तो अब और नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर इधर भी वाई होता है और इधर भी एक वाई होता तो एक और वाई ले लेते। तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। बहरहाल दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। वो एग्जांपल है x² + 5x + 4 ये उन्होंने तीन टर्म्स दी हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तीनों को एक पेज पे करना चाहूँगा, तो मैं उनको ऐसे लिख लेता हूँ। दूसरी वाली है x² + 4x + 3 और तीसरी वाली है x² + 3x + 2। तो इसके फैक्टर्स करें तो क्या होगा, x² + 4x + 1x + 4, ठीक है, आ गया x * x + 4 + 1x + 4, तो ये आ गया x + 4 *
एक्स प्लस वन। इधर करते हैं फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस थ्री, इधर से वन कॉमन ले लिया एक्स प्लस थ्री, तो ये आ गई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, और इधर से वन कॉमन लिया एक्स प्लस टू, तो ये आ गई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। अब देखें में क्या कॉमन है, ये एक्स प्लस फोर है, इधर है नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स प्लस वन इधर है, बिल्कुल है, और इधर भी है, तो वाहिद चीज़ जो कॉमन है वो एक्स प्लस वन है, तो यही आपका एच सी एफ है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को, ये खासी छोटी थी, इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। अगले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 शुरू करेंगे, जिसके 18 सवाल हैं, इंशाल्लाह सारे के सारे एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।